आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। महिलाओं के अत्याचार के मामले में प्रदेश तो अव्वल हो ही रहा है, अब दमोह जिले में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हत्या के प्रयास की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा मामला जबेरा के पास चंडी चौपारा गांव से सामने आया है, जहां पर पति पत्नी के बीच घर कलेश इतना बढ़ गया कि पति गजेंद्र सिंह ने अपनी ही पत्नी संजू बाई को जान से मारने के लिए दरिंदा बन बैठा और पत्नी की जान का प्यासा हो गया। उसने पत्नी के ऊपर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, लेकिन महिला जैसे तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। महिला पुलिस तक ना पहुंच सके, इसके लिए दरिंदे पति ने हटा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुआं खेड़ा निवासी बहनोई नंदू लोधी के घर आकर 3 दिनों तक अजली हालत में महिला को कैद रखा। घटना की जानकारी लगते ही पीड़ित महिला के भाई गजेंद्र सिंह ने कुआं खेड़ा में पूछताछ कर घटना की जानकारी डायल 100 को दी, जिसके बाद महिला की प्राथमिकी दर्ज कर महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने वाले पति के खिलाफ पुलिस ने हत्या के मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला ये है कि हमारी सिस्टर को बहनोई ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। कहाँ पर? ग्राम चंडी चौपरा में। और वो अपने बहनोई को बुलाकर वहाँ से यहाँ ले आए अपने गांव कुगा खेड़े में, यहाँ 3 दिन तक रखा। और इसके बाद यहाँ ना तो कोई इलाज ना कोई दवाई, ऐसी तड़पती रही और उसको खाना वस देते थे। और आज जब मुझे जानकारी लगी, कल मतलब आज सुबह हमने आकर 100 डायल की मदद से इनको वहाँ से छुड़वाया है। आप मौका से फरार हुए ग्राम कुआ खेड़े से। आप उनके कौन हैं? हम सिस्टर के, हमारी सिस्टर है वो, मैं उनका भाई हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? हम डलीपुरा के रहने वाले हैं। कॉलर द्वारा बताया गया कि एक महिला संजू बाई लोधी, जो उसकी बहन लगती है, वो यहाँ पे नंदोई के यहाँ कुआ खेड़ा में है। मौके की सूचना प्राप्त कर तत्काल डायल 100 मौके पर पहुँची और पहुंचकर महिला को थाने पर लाया गया। थाने पर लाकर महिला की रिपोर्ट के आधार पर उसने बताया कि उसके पति और सास ने उसके साथ मारपीट कर उसे चलाने का प्रयत्न किया है, जो संबंधित धाराओं में मामला कायम किया गया है। इसकी भी ये प्रकरण जो है, ये घटनास्थल चंदी चोपड़ा का है और जिसकी जीरो पे कायमी कर और आगे की विवेचना की जाएगी। रविकांत बिदौलिया की रिपोर्ट।